बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली हिंजा। माय डियर गाइस, एवरीथिंग इज ओके विद यू, अल्लाह ब्लेस यू एवर, एंड आई एम हैप्पी वंस अगेन दैट यू आर विद मी एंड आई एम विद यू। जी, तो बहुत ज़बरदस्त सिलसिले चल रहे हैं और हम जो है वो एट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट विच आर रिलेटेड टू द वर्ब। वर्ब से मतलब जुड़े हुए जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं उनके मतलब बात हम कर रहे हैं। और आपको मैंने बताया था कि ये जो वाइटल पार्ट ऑफ स्पीच है सबसे इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट, और इस जैसा कुछ भी नहीं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन टूडे। आज हम जो बात करने लगे हैं ये है कॉम्प्लीमेंट वर्सेज ऑब्जेक्ट। यानी अब जो हमने पिछले वीडियो के अंदर मैंने कहा था ना कि आलों को बताऊंगा कि जब कभी भी आपके पास लिंकिंग वर्ब्स के बाद जो आता है, जो कि आपको वर्ड का या होम का आंसर दे रहा होता है, ये बात हमारी हुई थी कि जब कभी आपको वर्ड या फिर होम का आंसर मिलता है तो हम उसे कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहां पर वर्ड और होम का आंसर होता है बट वी डोंट लाइक टू से दैट दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं बोला? हम उन्हें कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट हैं। अब इसी के लिहाज से हमारी बात होगी, तो आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंस की हमें जरूरत क्यों है, राइट? तो चलें चलते हैं और बड़ी छोटी सी वीडियो साथ साथ चलते हैं। अब देखें, ही रिजेक्टेड माय एप्लीकेशन। आपने सबसे पहले देखना है वर्ब को, क्योंकि हमारा ताल्लुक वर्ब के साथ है। वर्ब ही तो एक स्पेशल ऑर्गन है ना, जो पूरी की पूरी जो सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज उसको डेवलप करता है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल वर्ब का है। तो फिर ही रिजेक्टेड माय एप्लीकेशन, तो ही रिजेक्टेड व्हाट, उसने क्या रिजेक्ट किया? उसने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट, तो ये हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है। यानी अब हमने कहा जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो ऑब्जेक्ट है, राइट? इसके साथ वी नरेटेड अ स्टोरी फॉर यू, हमने एक कहानी आपके लिए सुनाई। नरेटेड आपको पता चल गया कि दैट्स अ वर्ब, ये वर्ब है और ये ट्रांजिटिव है, चूंकि इसके बाद ये आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो अ स्टोरी। तो वी नरेटेड व्हाट, वी नरेटेड अ स्टोरी, तो आपको व्हाट और होम का आंसर मिल रहा है। सिंपली वी आर से दीज आर दी ऑब्जेक्ट, ये पहली बातें हैं, पुरानी बातें हैं, लेकिन चीजों को दोहराते रहने से चीजें पक्की मजबूत होती, पुख्ता होती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। ही ग्रू टॉल, अब यहां पर जो वर्ब है वो है ग्रू। अब ही ग्रू व्हाट, वो क्या बन गया भाई, वो ग्रू क्या हो गया, किस तरह से वो ग्रो कर गया? तो हमने कहा वो टॉल हो गया। अब क्या ये जो टॉल है ये ऑब्जेक्ट है? नेवर। क्यों नहीं है भला? क्योंकि अब ये जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। ये मैंने कुछ आपको लिंकिंग वर्ब्स लिखवाए थे ना, जिनमें ग्रो भी था, जिसमें अपीयर था, जिसमें इज आर एम वाज वर्ब था, और कुछ और भी मैंने इस्तेमाल यहां पर भी किए हुए हैं, तो आपको मजीद इसके बारे में पता चलेगा। तो अब जो बात हमारी हो रही है इसी तरीकाकार से, ये हम कहते हैं ये लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो व्हाट या होम का आंसर देता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। लीजिए, तो इसका भी नाम हमें पता चल गया कि ये कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कब आता है भला? लिंकिंग वर्ब के बाद। तो लिंकिंग वर्ब को हम क्यों समझ रहे थे, उस पर क्यों दिमाग लड़ा रहे थे? भाई सादा सी बात है, लिंकिंग वर्ब पे हम इसलिए जोर लगा रहे थे और उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे और समझ रहे थे, ताकि हमें इस चीज का अंदाजा हो जाए, पता चल जाए कि भाई कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। अब अगला वाला सवाल कि हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके मतलब भी आज आपको आंसर दे के भेजूंगा। चलिए, और फिर ही अपीयर्स वेल ग्रूम्ड, वो लग तो रहा है भाई, दिखता है कैसा है, वेल ग्रूम्ड लग रहा है। अब वेल ग्रूम्ड, ही ग्रूम्ड, ही अपीयर्स व्हाट, वो कैसा लगता है, वेल ग्रूम्ड लगता है। अब ये जो है इसको आप ऑब्जेक्ट मत समझे, इसको आप वंस अगेन समझेंगे कॉम्प्लीमेंट, कि ये भी कॉम्प्लीमेंट ही है। अब शी वॉज मूविंग कार, इसमें देखें कि वॉज हेल्पिंग वर्ब, मूविंग आपका मेन वर्ब है, और शी वॉज मूविंग व्हाट, शी वॉज मूविंग व्हाट, वो क्या चीज मतलब मूव कर रही है, तो कार को चला रही है, इसका मतलब कार आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको कार को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास व्हाट का आंसर आ रहा है और पीछे जो मूविंग है वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, राइट? ओके, गुड। अब शी वॉज एन एक्सीलेंट ड्राइवर, अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि जब भी इज आर एम वॉज वर, जब भी ये विद और मेन वर्ब इस्तेमाल होता है तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहां पर वॉज जो है आपको दिख रहा है कि इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, सो वी आर टू से इसके बाद आने वाला शी वॉज एन एक्सीलेंट ड्राइवर, शी वॉज व्हाट, शी वॉज एन एक्सीलेंट ड्राइवर। तो ये जो एन एक्सीलेंट ड्राइवर है, वी आर टू से दैट दिस इज कॉम्प्लीमेंट। चले, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात तो बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सादा सी बात क्या हुई कि भाई ऑब्जेक्ट कब आता है, व्हाट और होम का आंसर, कॉम्प्लीमेंट भी व्हाट और होम का आंसर में मिलता है, लेकिन अगर तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आपको व्हाट और होम का आंसर मिल रहा है तो फिर यकीन कर लें देयर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, वो कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लीमेंट एंड लिंकिंग वर्ब्स का जो ताल्लुक बता रहे हैं। देखिए, शी बिकेम अ स्कॉलर, शी बिकेम व्हाट, शी बिकेम अ स्कॉलर। तो यहां पर जो बिकेम है वो आपका लिंकिंग वर्ब है और आ स्कॉलर आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि अब लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला जो भी जिसको हम ऑब्जेक्ट समझ रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, वो क्या होता है भला, वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से
इसके बारे में भी आपको पता चल गया कि दे फेल्ट हेजिटेशन, दे फेल्ट व्हाट हेजिटेशन, लेकिन हेजिटेशन जो है वी शुडंट से दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट इज बीइंग फॉलोड बाय फेल्ट दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। इस तरह फूड टेस्ट्स वेल, तो यहां पर भी टेस्ट आपका जो है वो लिंकिंग वर्ब है, तो जो वेल आपका होगा कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से इट इज डेलिशियस फूड, तो ये जो इज है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब यूज नहीं हो रहा, और इसके बाद आने वाला डेलिशियस फूड जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। फिर दे वर हंग्री, तो यहां पर दे वर व्हाट, दे वर हंग्री, वो भूखे थे, भूख लगी उन्हें थे। तो अब हम क्या कहेंगे वाला, ये जो है वर्ब वो यहां पर मेन वर्ब के बगैर है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये है लिंकिंग वर्ब, और हंग्री क्या हो गया फिर, वो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपको जब पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका डिफरेंस आपको पता चल गया, तो अब आपके लिए आसान है। चूंकि देखो लाइफ के अंदर ना जो सेंटेंसेस मिलते हैं ना वो एक्टिव और पैसिव मिलते हैं, दो तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं। एक्टिव क्या होता है वाला, ये मार्कर है, आई ड्रॉप द मार्कर, मैंने मार्कर को गिरा दिया, आई ड्रॉप, मैं तुम्हें जानबूझ के गिराया, मार्कर वॉज ड्रॉप बाय मी, मार्कर मुझसे गिर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ भला, मैंने खुद को आजाद कर लिया, पैसिव आज था। तो एक्टिव और पैसिव का जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो भाई वहां पर आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम काम किस पे कर रहे हैं, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जिस पर काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं। तो फिर ऐसे क्विकली रिकैप करते हैं और चलते हैं। क्या बात हुई कि देखें, अगर हमारे पास इज आर एम वाज वर या फिर कुछ और अल्फाज जिनको मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ देम दे आर रिलेटेड टू द सेंसरी वर्ब, वो सेंसरी वर्ब से मुतालिक होंगे, उनके लिहाज से बातें हमारी हो सकती हैं, तो फिर भाई वो कॉम्प्लीमेंट होगा बट और होम का आंसर देने वाला। और अगर हमारे पास जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, सिंपली दैट इज बीइंग यूज्ड, वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट ही होगा जो वट और होम का आंसर आपको दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग इंजॉय कर रहे हो, इसको प्लीज शेयर कीजिएगा। जब कभी आप चीजें दूसरों को बताते हैं ना तो उससे आपका अपना नॉलेज बढ़ता है, तो जस्ट डू इट एज यू लाइक इट। अल्लाह ब्लेस यू एवर, अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़।